कटिहार प्राणपुर थाना क्षेत्र सहजा वार्ड संख्या 4 में लगी अचानक आग ले ली 3 घरों को अपनी चपेट में। रात के करीब 11:30 बजे लगी आग, जिसमें 8 बकरी एवं अनाज सहित लाखों की संपत्ति हुई जलकर खाक। ग्रामीणों की मदद से मिली आग को काबू। पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि दलबल के साथ पहुंचकर वरीय पदाधिकारी को दी जानकारी। वही प्राणपुर सीओ ने की घटनास्थलों की जाँच। इसमें माल जल का क्षति भी हुआ क्या? बहुत क्षति हुआ। क्या क्या क्षति हुआ? क्षति हुआ 8 बकरी खत्म हो गया जल से। 1 कुंटल चावल था, 1 कुंटल गेहूं था, 5 कुंटल धान था। अच्छा, तो ये जांच अभी तक कोई पदाधिकारी आए हैं आपके यहाँ? आया था। कौन पदाधिकारी आया? मुखिया जी आया था मुस्तफा, और उसके बाद सीओ साहब आया। क्या ये सही है? हाँ सही है। 11:30 बजे घटना घटी है कल। क्या ये घटना स्थल पर खुद से जाकर आपने मुआयना ली? हाँ, हमने सुबह भी देखा, अभी भी इस घटना स्थल पर है। लगभग कितनी की क्षति हुई होगी? लगभग 4 से 5 लाख का क्षति हुई है। दूसरी बात यह है, सुबह सुबह फोन भी किए थे सीओ साहब को, सीओ साहब स्थल पर आए, राजस्व कर्मचारी भी आए, और इनका मुआवजा के लिए तुरंत सीओ साहब ने एक्शन लिया, इसको अग्रत कार्रवाई के लिए भी किया गया है। राजस्व कर्मचारी से रिपोर्ट भी मांगा, उसके बाद डॉक्टर से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मांगा, जो आपका खस्सी बकरी सब जो जला है, और अनाज उनाज बहुत चीज जला है इनका। आप सच्चाई है? इसमें कितने की क्षति हुई है? ये मोटा मोटी 5 लाख का क्षति हुई है, 4-5 लाख का क्षति हुई है। इसमें कोई और ये पदाधिकारी आए हैं जांच? हाँ, आए हैं, तुरंत एक्शन लिया सीओ साहब। आपका परिचय? मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तफा। कौन से पंचायत से? सहजा पंचायत।